सामू अपने नए मित्र के यहाँ उड़िया सीखने गया। जो शब्द वो सीखकर आया वो बड़े ही काम के साबित हुए। सुनिए और जानिए कि कैसे। कहानी का शीर्षक है आसीला बसीला उठीला जाउच। लेखक ये एक कुई राइटर्स ग्रुप है। चित्र बनाए हैं सुग्रीव कुमार जुआंगा और हिंदी में अनुवाद किया है राजेश खर। ये प्रथम बुक्स प्रकाशन की पेशकश है। पहाड़ों के पार एक छोटे से गांव में सामू अपने परिवार के साथ रहता था। कभी कभी वो शहर जाता था। वही उसकी दोस्ती सुधीर से हो गई। दोनों इशारों में कुछ बातें कर लेते थे क्योंकि एक दूसरे की भाषा तो उन्हें नहीं आती थी। एक दिन सामू की पत्नी उससे बोली, आपने एक नया मित्र तो बना लिया लेकिन उनकी भाषा तो हमें नहीं आती। हम उनसे बातचीत कैसे करेंगे? आप उनके पास जाकर उनकी भाषा क्यों नहीं सीख कर आते? पत्नी की बात मानकर सामू सुधीर के घर पहुंचा। उसे आता हुआ देखकर सुधीर खुश हुआ और बोला, आसिला। उड़िया में इसका अर्थ है तुम आ गए। सामू को समझ तो नहीं आया पर वो कमरे में घुसा और अंदर जाकर बैठ गया। सुधीर ने फिर कहा, बसीला। उड़िया में इसका अर्थ है बैठ गए। ना समझने के कारण सामू थोड़ा नाराज हुआ। वो खड़ा हुआ। इस पर सुधीर ने बोला, उठिला। उड़िया में इसका अर्थ है खड़े हो गए। जैसे ही सामू मुड़कर जाने को हुआ सुधीर ने कहा, जाउच। उड़िया में इसका अर्थ है जा रहे हो। सामू ये चारों शब्द दोहराते हुए गांव लौट गया। जब वो घर पहुंच ही रहा था रात हो चली थी। उधर उसी समय शहर के कुछ चोर उसकी मकई के खेत में घुस आए। सामू की पत्नी जानना चाहती थी कि उसने शहर में क्या सीखा। सामू ने अपने दोस्त का पहला शब्द बताया पर वो ठीक से सुन नहीं पाई। उसने दोबारा पूछा। वो जोर से बोला, आसिला। उसने इतना जोर से बोला कि बाहर के चोरों ने सुन लिया। उन्होंने सोचा कि इस आदमी ने उन्हें देख लिया है। वो खेत में बैठ गए। पत्नी ने फिर पूछा, और क्या सीखा? सामू बोला, बसीला। उसकी पत्नी को भी ये नए शब्द सुनने में मजा आने लगा। उसने कहा, क्या फिर से कहो? सामू ने जोर से दोहराया, बसीला। चोरों को सुनकर लगा कि जरूर उस आदमी ने उन्हें देख लिया है। वो हड़बड़ा कर खड़े हो गए। पत्नी ने मजे से ताली पीटी और कहा, और क्या और क्या? सामू ने कहा, उठिला। चोर सुनकर डर गए और वहां से जाने को मुड़े। पत्नी ने फिर पूछा, और बताइए, इतना ही सीखा? सामू बोला, जाउच। इतना सुनना था कि चोरों के पाओ के नीचे से जमीन निकल गई। उन्हें लगा कि ये आदमी सब देख रहा है। वे वहां से भाग खड़े हुए और फिर कभी लौट कर नहीं आए। कहानी खत्म। मुझे और एक सुनिए, उसके बाद और एक। अच्छा अच्छा, आपको भी सुननी है ना और कहानियां? तो चलो मेरे साथ www.books.speak.com पर। एरवा उड़ी, एरवा।